हम अपने नेक्स्ट कमांड से स्टार्ट करते हैं, जो कि है रोटेट या लाइन एट एंगल। जैसे कि अगर आप ड्राइंग देखोगे, सपोज हम ये वाली ड्राइंग की बात करें, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो एक स्टार शेप बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन तो हम बना सकते हैं, इसीलिए हमने लाइन बनाने का कमांड सीखा था, स्ट्रेट लाइन ऑर्थोन करके बन जाएगी डायमेंशन देके। लेकिन ये वाली जो दूसरी लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक एंगल पे है। कितने डिग्री आप देख सकते हो? 60 डिग्री। और इसकी लेंथ कितनी है? ये जो स्टार शेप है सब एक ही इक्वल लेंथ का है, वो लेंथ कितनी है सारी लाइंस की? 30 की। तो मुझे ये जो लाइन बनानी है इसमें एंगल भी सेटअप करना है और उसके साथ साथ लेंथ भी सेटअप करनी है। ऐसे चीज को बनाने के लिए हम यहाँ से यूज करते हैं कौन से मेथड को? रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। इसमें रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या करना होता है, हमें याद रखना है कि लाइन जब भी हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, हम डायरेक्ट लेंथ लिख के एंटर कर देते हैं। बट अब ऐसा नहीं करना है, लेंथ लिखने से पहले हमें क्या करना होगा? एट द रेट लिखना होगा। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या लिखा हमने? एट द रेट। उसके बाद हमें लेंथ बतानी है, फिर उसके बाद हमें एंगल साइन देना है। ये लेस देन साइन देख रहे हैं कीबोर्ड में जो होता है हमारा, लेस देन साइन देना है और उसके बाद एंगल वैल्यू बतानी है, ठीक है, देन उसके बाद एंटर करना है हमें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट शेप बनाने के लिए मैं पहले यहाँ से ये शेप बनाता हूँ। ये लाइन हमारी कितने की होगी? 30 लेंथ की होगी। हमने 30 लेंथ की लाइन बना ली है। एल एंटर किया, एल एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट दिया, हाँ जी, एल एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट दिया, लाइन आ रही है। ऑर्थोगोन के लिए स्ट्रेट लाइन बनाना था, शॉर्टकट F8, F8 दबाया। कितने लेंथ की लाइन चाहिए? लेफ्ट साइड गया, हमें लेंथ दी, हाँ जी। तो एल एंटर करके फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, माउस को ड्रैग करा लेफ्ट साइड और डिस्टेंस बताया कितना चाहिए, 30 देख के एंटर कर दिया, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे जूम करके देखा हमने, 30 लेंथ की लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन मुझे वर्टिकल ऊपर तो नहीं लेके जानी, बट एक एंगल पे लेके जानी है। तो एंगल के लिए हम रिलेटिव पोलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखोगे माउस में ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो को ऑफ कर दूँ अगर मैं तो लाइन किसी भी एंगल पे चली जाएगी। हम किसी भी एंगल पे नहीं बनाना, हमें एक पर्टिकुलरली एंगल चाहिए और उसके साथ साथ उसकी लेंथ वैल्यू भी चाहिए। ऐसा करने के लिए रिलेटिव पोलर का ही इस्तेमाल करेंगे। अभी अगर मैं माउस को मूव करता हूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर मैं राइट साइड लेके आ रहा हूँ माउस को, यहाँ पे आप देखो एंगल बन के आ रहा है माउस, जहाँ आ रहा है उसके साइड में देखो एक डिस्टेंस लिख के आ रहा है ग्रे कलर से 48 का, और उसके राइट साइड में और क्या लिख के आ रहा है, एक लेस देन का साइन बना हुआ है और एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक। इससे पता चलता है कि अगर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो राइट साइड में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। अब मैं यहाँ से अपवर्ड की तरफ गया, वर्टिकल आप, अब कितने डिग्री का एंगल है? लेफ्ट आया और नीचे की तरफ गया 270, फिर वापस से 0। तो एक्चुअल में ऑटोकैड में जो एंगल चलता है वो कैस किस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर आप देखो तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन चल रहा है हमारा, चल रहा है नहीं चल रहा है? ऑटोकैड में बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन चलता है, बट आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से, ठीक है। सो 60 डिग्री हमें एंटी क्लॉक में देना होगा, क्लॉक में देना होगा। अभी अगर हम ड्राइंग में यहाँ पे हैं, मैंने ये बना दिया, ये 60 डिग्री मुझे एंटी क्लॉक में ही तो चाहिए, ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं? सो हमने क्या किया, पहले एट द रेट लिखा, एट द रेट लिखने के बाद लेंथ बतानी है, लेंथ कितनी दी? 30। अब लेस देन साइन दिया और एंगल कितना था? 60 लिखा हमने, एंटर कर दिया, शेप तैयार हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब जरा एक चीज नोटिस करिएगा, देखिए अगर हमारा माउस इस पॉइंट पे है,
ये वाले पॉइंट पे है, ठीक। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो डिग्री कितनी है, और यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो डिग्री कितनी है, जीरो। इन दोनों के बीच में 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। लेकिन अब जब ये दोनों एलिमेंट बन गए हमारे, अब माउस कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोकैड में, देखो यही इसी पॉइंट पे। इस पॉइंट से इधर आऊंगा तो डिग्री कितनी होगी, और इससे स्ट्रेट अप जाऊंगा तो डिग्री कितनी होगी, और जो एंगल है वो मेरा क्या हो रहा है, 90 से भी क्या हो रहा है भाई, एंगल 90 से बड़ा है या नहीं है, बड़ा है, ठीक। ये एंगल जो है ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं एक्चुअल में, ये जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री का होगा, है ना भाई, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये अल्टरनेट, अब अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल बराबर होंगे, 60 डिग्री का होगा। अब ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के ही बनते हैं, तो ये डिग्री भी कितनी की होगी, तो टोटल जो डिग्री हुई वो कितना हो गया इसका एंगल 120 डिग्री का। तो अब जो हमें लाइन बनानी होगी उसका एंगल कितना हो गया 120 डिग्री का। अगर आप देखो मैं यहाँ पे हूँ इस पॉइंट पे, मैंने वापस से एट द रेट लिखा, फिर लेंथ देनी है, ठीक, लेंथ कितनी 30, उसके बाद लेस देन साइन दिया। अगर मैं 60 डिग्री देता हूँ तो क्या होगा, क्या हुआ, वही लाइन कंटिन्यू चली गई, क्योंकि 60 डिग्री की तो ये लाइन आ ही रही थी, क्योंकि बेस उसका 60 डिग्री पे ही था, है ना। तो हमें 60 डिग्री की लाइन नहीं बनानी, अब कितने की बनानी होगी, कैसे बनाएंगे, एट द रेट 30 लेस देन साइन, सॉरी 120 एंटर कर दिया, आ गई है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दिया अब हमने, ये तो 30 की डायरेक्ट बना दी। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन एट द रेट 30 लेस देन, अब देखो ध्यान से देखो, माउस से मैं इधर जाऊंगा कितने डिग्री की है, ऊपर जाऊंगा कितने डिग्री की है, दोनों के बीच में चाहिए तो 60 डिग्री आ गया। अब माउस मेरा यहाँ है, ध्यान से देखना, इधर जाऊंगा कितने डिग्री की है, जीरो, ऊपर जाऊंगा कितने डिग्री की है, इधर जाऊंगा कितने डिग्री की है 180, नीचे आऊंगा कितने डिग्री की है, मुझे 270 से भी और एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, क्योंकि इधर जाना है ना मुझे, है ना, तो 270 से भी क्या चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, सो क्या करें ऐसे के लिए, हम एंगल जैसे अभी हमने मेजर किया था, या तो हम वैसे मेजर कर सकते हैं, अभी जैसे हमने मेजर किया था एंगल, सबका एंगल ऐड अप करें, हाँ हम वैसे मेजर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अब वो आप देख लो, यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेंगे चार क्वाड्रेंट में, तो ये इस तरीके से टूटेगी, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये और ये वाला। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट के लिए कितनी डिग्री की लाइन बनाई थी हमने, 60, सेकंड के लिए कितनी डिग्री की थी, 90. अब एक तरीका तो क्या है कि आप कैलकुलेट करके पूरा ऐड अप करते हुए लाओ, जिसमें टाइम लग जाएगा हमें। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं, ये लाइन जो है ये किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है या नहीं है, भाई फर्स्ट वाले में जो लाइन बन रही है उसके अपोजिट ही तो बनानी है। फर्स्ट के लिए कितने डिग्री की थी, 60, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 60 डिग्री। अभी जैसे एंगल जो है ऑटोकैड में वो कैसा चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसको कहते हैं हम एंटी क्लॉक, है ना, हम चाहते हैं कि अब इस डायरेक्शन में एंगल बन जाए कितने डिग्री का, जो इसका बन रहा था ऊपर उसी का अपोजिट नीचे आ जाए, है ना, ऊपर कितना डिग्री था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल कितना होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर मुझे क्लॉकवाइज चलना है ऑटोकैड में, बाय डिफॉल्ट मेरा एंटी क्लॉक लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए नेगेटिव साइन देके क्लॉकवाइज में कन्वर्ट
कर सकते हैं। अब वो भी देख लेते हैं, हमने यहाँ से एट द रेट लिखा, पहले लेंथ बताई कितनी, फिर लेस देन साइन दिया और माइनस 60 एंटर कर दिया। आ गया नहीं आया? यहाँ से फिर से स्ट्रेट लाइन बना दी हमने 30 की। अब देखो माउस यहाँ है, हमेशा जब भी हमें चेक करना है कि लाइन कितने डिग्री की होनी चाहिए, उसके लिए जहाँ पे माउस का माउस आ रहा है आपका, जहाँ पे स्टार्ट पॉइंट आ रहा है लाइन का, वहाँ पे आप माउस रख दो। जैसे मैंने यहाँ रख दिया, अब इसके चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर हो गया राइट साइड, सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर लेफ्ट साइड, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया बॉटम में लेफ्ट साइड, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया बॉटम में राइट साइड। अब मुझे कौन से क्वाड्रेंट में लाइन बनानी है? देखो थर्ड में बनानी है। थर्ड जो है वो किसके अपोजिट है? सेकंड के अपोजिट है, तो सेकंड के लिए एंगल 120 डिग्री था, तो थर्ड के लिए एंगल क्या होगा? -120। या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो 60 60 60 और अगेन 60, तो टोटल एंगल कितना बैठेगा? 180 प्लस 60 कितना हो गया? 240। 90 थोड़ी ऐड किया करना है, या तो आप 240 डिग्री का एंगल दो। ठीक, मैं करके भी दिखा देता हूँ। एट द रेट 30 लेस देन 40 बन गया, नहीं बन गया? मैंने कंट्रोल जेड कर दिया अंडू। एट द रेट 30 लेस देन कितना दिया? -120। बात तो वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल बताओ आप लोग कितना होगा यहाँ से, कि कौन से क्वाड्रेंट में जाना है ये देखो। पहले माउस हमारा यहाँ है ना, लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है मुझे? फोर्थ में। बताइए क्या करेंगे? -60 लिख के एंटर कर दूं बस? नहीं, एट द रेट 30 लेस देन माइनस। अब स्ट्रेट बना दे। नहीं सही तो है। अब क्या दे? एट द रेट 30 -90। क्वाड्रेंट देखो, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है? माउस यहाँ रखा, क्वाड्रेंट बताओ मुझे, क्वाड्रेंट बताओ। थर्ड के लिए कितने डिग्री पे था? बस एट द रेट 30 लेस देन। ठीक, अब क्वाड्रेंट बताओ कौन से पे जाना है? सेकंड में जाना है। सेकंड में जाएंगे, क्या होगा? एट द रेट 30 लेस देन हो गया तैयार। ठीक, तो इसके तरीके और भी हैं जो हम देखेंगे बाद में, बट पहले आप सिंपल जैसे मैंने एंगल मेथड से बनाया है, आप इसी मेथड से बनाओ। इससे क्या होगा, आपका एंगल का कंसेप्ट क्लियर होगा कि कब एंगल को प्लस में देना है, कब माइनस में देना है। ठीक है, वो चीज़ आपको इसी से क्लियर होगी। तो पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो, और पुरानी जो ड्राइंग है उनकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे।